ये कहानी तब की है जब इस देश में ब्रिटिश राज था। सरकार, ये लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। देखिए, आपने पीने में, जुआ खेलने में, देवदासियों को नचाने में जो 50 लाख रुपए उड़ाए हैं, वो आपने योर हाइनेस हिज एक्सीलेंसी से उधार लिए थे, याद है? जो ये अब वापस मांग रहे हैं और ये एक हफ्ते के अंदर ही देना है। मानता हूँ कि मैंने इनसे उधार लिया है, लेकिन अभी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने जब अपने भाई से बंटवारे की बात की तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। देखो मैन, अगर तुम्हारा भाई राजी ना है तो तुम चुरा कर ले आओ टेंपल का देवी। क्या बक रहा है? मूर्ति चुरा ले? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है फिरंगी कुत्ते कमीने? हमारे भगवान को बेच रहा है? Our Indian guards are most powerful. If you touch them, तुम राख में मिल जाओगे, फंस जाओगे। क्या बकवास है? तुम्हारा देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। Stupid मत बनो। ये सोना है मैन, सोना, कोई भगवान नहीं। नहीं सरकार, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये आपके पुरखों की निशानी है। जब इंसान पर पैसों का भूत सवार हो जाता है और वो अपने होश खो बैठता है, तब उसके विनाश से उसको कोई नहीं बचा पाता। उसके किए की सजा उसके परिवार वालों को भुगतनी ही पड़ती है। ऐसा ही कुछ रघुवीर कुमार के साथ हुआ।48 सालों के बाद फिर एक वैसा ही अमावस का दिन आया। Thank you.
48 साल बाद हर अमावस के दिन रघुवीर सिंह के खानदान का एक चिराग बुझ जाता है। 48 साल पूरे होते ही अमावस ने रघुवीर के खानदान पर एक बार फिर दस्तक दी। अरे आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप बिना हिचकिचाए मेरे पास आ सकते हो। ये पैसे रखिए। अरे ये क्या कर रहे हो? चलता हूँ। देवी के श्राप में रघुवीर का एक और चिराग बुझा गया। क्या यह प्रकोप खत्म होगा या रघुवीर के खानदान को खत्म करके शांत होगी प्रतिशोध में दहकती हुई ये ज्वाला? वासुदेवस्य भगिनीं दिव्यमाल्यं विभूषितां दिव्यांबरधरा देवी तत्क्षेत्रे विराजिनी सर्वमंगल्यमंगल्यै शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हेमा, जो भूल पुरुषों ने की है उसकी सजा उनके बच्चों को क्यों दे रही है आप? हर 48 साल में आप हमारे खानदान की एक माँ की कोख उजाड़ देती हैं। आपने मेरे पति के प्राण लिए, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तभी मैंने आपकी पूजा करना नहीं छोड़ा। सच्चे दिल से तन मन धन से आपकी पूजा करके अपना धर्म निभाया मैंने। अब तो हमारे पर कृपा कर दीजिए माँ। ये पवित्र अग्नि युगों से यहाँ जल रही है। बिना किसी सहारे, बिना किसी साधन के ये अखंड ज्योति की तरह चल रही है। जब मूर्ति पर दुष्टों ने हमला किया तब यह अग्नि भड़क उठी थी और उन दुष्टों का नाश करने के बाद ही ये अखंड अग्नि शांत हुई थी। तब से लेकर आज तक 48 साल में एक बार यह अग्नि भड़क उठती है और आपके वंश की एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरी पीढ़ी के बड़े पुत्र की बलि लेकर ही शांत होती है। माजी, पहले आपके पति की बलि चढ़ी और अब आपके पोते की बारी है। जानती हूँ पंडित जी, ये सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। पता नहीं अब वो अशुभ समय कब आएगा। ये मुरारी भी ना लगता है एक दिन मुझे मरवा देगा। पता नहीं अपने ही जन्मदिन पर कहां गायब हो गया। बदमाशी खुद करता है, सारा इल्जाम मुझ पे आ जाता है। माँ ने भी सोच समझकर उसका नाम मुरारी रखा है। जब देखो गोपियों के बीच मस्ती करता रहता है, और देर करेगा तो मेरी हवा टाइट हो जाएगी। आ जाना, कब तक आएगा? मेरे हाथ पांव कांप रहे टेंशन से। अरे बाबा जल्दी आ जाना। ओहो शुभं करोति कल्याणं आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय। ये सब तो ठीक है दादी, मुझे बस आशीर्वाद दो कि मैं बहुत तरक्की करूं और कोई बुरी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। आशीर्वाद दो ना। जल्दी दे दो, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है दादी, जल्दी दो ना। बाप रे,
देखो देखो दादी तो दिन में भी सपने देखने लग गई। दादी तुम ठीक तो ना? क्या दादी ठीक हो ना? ठीक हो तो फिर आओ गले लगाओ आओ। सच बताना दादा की याद आई कि नहीं? बदमाश। अच्छा ठीक है आप रुको मैं दूसरों का आशीर्वाद लेकर आता हूँ, उनको भी तो जरा लूटू। माँ रक्षा करना, रक्षा करना माँ। बड़े पापा चलो जल्दी स्पेशल आशीर्वाद दे दो चलो। अरे मुरारी जल्दी दो औरों का भी आशीर्वाद लेना है। नहीं नहीं सदा खुश रहो। बड़े पापा आप सीरियस क्यों हो रहे हो? हसो 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 हसो। बेटा रुक जाओ आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो आयुष्मान भव। आओ बेटा माँ से आशीर्वाद ले लो। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना तो आज माँ का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है। आओ बेटा आशीर्वाद दो दीदी। अरे ये क्या? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मुझे जन्म भले ही इन्होंने दिया हो लेकिन असली मायनों में मेरी माँ तो तुम ही हो। तुलसी तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं रो मत। नहीं नहीं मेरी माँ चामुंडेश्वरी, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ सरस्वती, आशीर्वाद दो जल्दी। दूध नहाओ पुत खोलो। अच्छा चलो दोनों एक साथ मिलकर आशीर्वाद दो चलो। बेटा भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। अरे दूर खड़े क्या कर रहे हो? चलो जल्दी एक साथ होकर आशीर्वाद दो चलो फटाफट। ये लो। सस्ते में निपटा रहे हो ये नहीं चलेगा। बताओ मेरा गिफ्ट क्या है? हाँ, ये सोने की चेनी से दीजिए ना आपके किस काम की? अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा था लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। हाँ हाँ चेन तो तुम्हें दिलवा के रहूंगी। छोटे चाचा आओ ना। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना आओ। क्यों रे मुझे भूल गया क्या? ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, अगर तुम्हें भूल गया तो मैं बिल किस पर फाड़ूंगा। हाँ चलो आशीर्वाद दो। अरे अरे क्या कर रहा है? बिल से याद आया पेमेंट का 25,000 है, एंजॉय करना। थैंक यू। अरे हम लूट गए, वो ले जा रहा है। अरे क्या ले जा रहा है? इसकी पूरी तरह पिटाई की और गणेश को ट्रक में ले जा रहे हैं। गणेश को ले जा रहे हैं? सच कह रहा हूँ। कब ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है? कोई बात नहीं जानता लेकिन गणेश को ट्रक में बिठा लिया है। कहाँ है वो लोग? गणेश को अगर कुछ हो गया तो मुरारी भूचाल ले आएगा। मैंने बड़े से बड़ा चिल्ली चोर देखा है पर तुम्हारे जैसा नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अबे चुप कर, 2x2 कटे हुए मुर्गी की तरह फड़फड़ाएगा मुरली देख लेना। और वो क्यों? मैं एरिया में वर्ल्ड फेमस हूँ, एरिया का वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन हूँ, मैं एरिया का स्विस बैंक हूँ और तो और दिखने में मैं मुरारी से भी कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ। फिर सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? वाह वाह मुरारी क्या बात है, मुरारी कमाल कर दिया मुरारी। ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें पता है क्या? क्या पता? पूछो मत, देखो पूरे एरिया में, पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी बदनामी होगी कि मुरली अपने मंदिर के हाथी को नहीं बचा पाया। और इसका करोगे क्या? अरे 2x2 इसे सर्कस में बेचेंगे और 2,00,000 कमाएंगे, फिर होगी पार्टी, मुर्गा कटेगा और नाचेंगे झनझनाझन झनझन झनझनाझन। ये तो वक्त ही बताएगा। ओए कल्टी मार ले। Thank you.
अरे मालिक, वो तो गायब हो गया, कहीं डूब तो नहीं गया? मालिक पतली गली पकड़ लो, इसी में भलाई है। A2x2, नेक्स्ट ट्रेन कभी है बताना, पता होता तो खुद ही पकड़ लेता। चल ठीक है, इस बार तेरी सूरत देखकर तुझे जाने देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा किया ना। तुम खली के चाचा हो, क्या जरूरत थी उन गुंडों से हाथापाई करने की? सिर्फ हाथापाई नहीं, धुनाई की धुनाई। घर में इतने बड़े बुजुर्ग थे तो लड़ाई करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हमको तो उल्लू समझता है। हमें है दम, हम है सिंघम। सिंघम या चिंगम? नहीं, आपको जवाब देना होगा। बहुत बोलते हो कन्हैया, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? बस करो, ये रोना धोना बोलो, बहुत हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगा। क्यों ना बोलूं, हमेशा कोई जिंदा रहता है क्या? ऐसा मत बोलो बेटा, एक दिन तो सबको मरना ही है, और इस डर से मैं कायर की जिंदगी नहीं जीऊंगा। चुप कर, बहुत हुआ, मरने की बात नहीं करते, अशुभ होता है। मंदिर के हाथी को बचाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी से खेलना बहुत गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करते, ये खतरनाक भी हो सकता था। तुम्हारी बात मान ली दादी, अब दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है ना? सूर्यदेव। हाँ माँ। तुम्हें ठीक से डांटना नहीं आता है, कल से मुरारी से ट्यूशन लेना। तुम लोगों ने देखा, अम्मा ने भी बताया कि ये अब हमारे हाथ से निकल गया है ना? सही कहा, इससे पहले कि ये हाथ से पूरा निकल जाए इसे हथकड़ी पहना दो। ये क्या कह रहे हैं आप, मेरा मुरारी तो अभी बच्चा है, अभी तक तो उसकी दाढ़ी भी नहीं आई है। सही, डर मत बेटा। इसे बच्चा बोल रही हो तुम, ये तो ऊंट जितना लंबा हो गया है। और जानती है, कल रात जब मैं इसे दूध देने गई तो नींद में इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे ये मेरे पास तो भाई, भाभी का हाथ पकड़ा तो ठीक है, कहीं नौकरानी का पकड़ लेता तो। मेरी बात से छोड़ो, जल्दी से इसकी शादी करवा दो, वरना सन्यासी बन के कब कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं। कुछ भी बोलो, मेरी शादी का फैसला आप लोग करेंगे। ये है उनके खानदान की कुंडली, सभी की कुंडलियां हैं। अच्छा माजी, सभी की कुंडलियां हैं लेकिन मुरारी की कुंडली नजर नहीं आ रही, मैं वो एक बार देखना चाहूंगा। मुरली की कुंडली नहीं मिली आपको? ये कौन सा अशुभ लक्षण है पंडित जी, यही तो थी मेरे बच्चे की रक्षा करना।
वही होगा जो देवी माँ चाहेगी। हेलो 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 हेलो, आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो, क्या लगा रखा है, ला मुझे दे। हेलो तुलसी बुआ, ये कितना चिल्ला रही है, किसका फोन है, किसका फोन है, ला मुझे दे, मुझे दे, मुझे भी बात करनी है। हेलो कैसी हो? बड़े भैया, बड़े भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? हमेशा की तरह फर्स्ट। अरे मैं इतना फिट हूँ कि ओलंपिक्स में भागू ना तो फर्स्ट आ जाओ। आएंगे लेकिन पीछे से। और तुम्हारा वहाँ का पेशेंट कैसा है? डॉक्टर साहब आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आपका शुगर लेवल इतना हाई है कि आपके पसीने से मिठाई बनाई जा सकती है। और उस पसीने से बनाई हुई मिठाई मैं तुम्हें ही खिलाऊंगा। हलवाई कहीं का। थोड़ी मिठाई मेरी बहन को भी खिलाना क्योंकि आपको बहुत डांट पड़ने वाली। बात करने की तमीज नहीं है मुझे? नहीं तो क्या, मुझे जब देखो तो मेरे भाई के पीछे लगे रहते हो। डॉक्टर साहब को जब डांट पड़ती है तो बहुत मजा आता है। भाभी इतने दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, तुमको कभी फोन ही नहीं करती। सब एक साथ बात करें, एक ही करके बोलो ना। रुक जाओ मुझे बात करने दो। हाँ तुलसी, पूजा में आना याद है ना, तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ठीक है भैया, इंतजार कर रहे हैं। भैया लेकिन काट दिया, सबको बात करनी थी, अपने फोन क्यों काट दिया? तुम मुझे डांट रही थी इसलिए फोन काट दिया। अरे एक बार और फोन लगाओ ना, हमें तो बात नहीं करनी थी, ये क्या बात हुई? हाँ तुम क्या कह रहे थे, मना किया ना। इन्होंने तो दिन में भी बिना शुरू कर दिया। चलो सब अंदर चलो। अरे भैया भैया संभाल के। बस थोड़ी सी तो पी है। इतना छोटा नहीं है कि बच्चों की तरह समझाऊं, बेटे जैसा पाला था इसलिए घर से निकाल भी नहीं सकता। अफसोस होता है जब इसे देखता हूं। ये कोई बात होती है क्या है? बात करते करते फोन काट दिया। अगर आपको बात करनी है तो आप ही फोन कर लीजिए ना उन्हें एक बार। क्यों, मैं क्यों फोन करूं? इसमें हर्जी क्या है? है इसलिए तो नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले आप भी तो उनसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे। वो तो उनकी आवाज मेरे कानों पर पड़ी इसलिए शामिल हो गया, वरना। सच बताइए, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, आपका भी तो मन कर रहा है ना उनसे बात करने का। हाँ भैया बस एक फोन करने की देरी है, दोनों परिवार एक हो जाएंगे। हाँ? बात तो सही है। अरे बड़े भैया क्यों उनको कॉल करेंगे, बचपन से साथ खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती की है, वो लोग कॉल नहीं कर सकते? हाँ ईगो लेकर बैठे होंगे। संजय ऐसे नहीं कहते, कहने से पहले सोच भी तो लिया करो। जो भी हुआ उसमें बड़े भैया की नहीं शेर सिंह की गलती थी, उनसे कहो पहले उनसे माफी मांगे। लेकिन आपसे तो इस बारे में कहना ही बेकार है। चुप करो तुम, हद पार कर रहे हो तुम। गलती कोई और करे और मेरे बड़े भैया आकर तुम लोगों से माफी मांगे। अरे क्या भाभी, तुम हमेशा बड़े भैया के गुण गाती रहती हो। हाँ? हर साल तुम उनके घर पे जाती रहती हो, लेकिन क्या आज तक कभी उन लोगों ने तुम्हारे घर पर कदम रखा है? देखो मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, चुप हो जाओ। माना मेरे परिवार वाले बदतमीज है, बहुत अहंकारी है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम सब तो बहुत संस्कारी हो ना। मैं जब भी मैके जाती हूँ, एक बार भी मुझे कोई छोड़ने आया, हमेशा मैं अकेली जाती हूँ और ये मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। मुरारी मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, क्या करूँ मैं भी। देखो जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, तुम अच्छे से जानती हो उन्होंने हमारी इज्जत कैसे उछाली। तुम वहाँ हर साल जाती हो लेकिन मुझे उनका जिक्र तक गवारा नहीं है। मुस्कुराते हुए जाओ और हंसते हुए आओ, पर कमीनों से रिश्ता मत जोड़ो। चुप हो जाओ। ए, तुम लोगों को घर के लक्ष्मी के आंसुओं की कीमत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मुझसे बहस मत करो, जाओ यहाँ से। तुलसी देखो वो। दीदी, दीदी एक बार सुनिए मत, दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। भूल जाओ तुलसी, वो सारी बातें तो मैंने गुस्से में कह दी थी, खां में खां तुम मुंह लटका के बैठी हो। मेरे घर वालों को गाली दी, मुझसे ऊंची आवाज में बात की और अब कहते हो भूल जाओ। तुलसी कैसे भूल जाओ, तुलसी
तुलसी, अरे मेरी बात सुनो, इधर आओ, सुनो सुनो, क्या हमें पता नहीं है कि तुम हमारे लिए क्या हो और इस घर के लिए क्या मायने रखती हो? मुझसे शादी करके तुमने अपने लिए कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। मुरारी से तुम बहुत प्यार करती हो, उसके लिए तुमने अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दिया और मुझे भी मनाया कि मैं भी अपना ऑपरेशन करवा लूं ताकि मुरारी का प्यार कोई और न बांट सके। तुम मेरे लिए महालक्ष्मी जैसी हो। मेरी प्यारी बीवी हो तुम। इस बात को भी तुमने अपने परिवार वालों से छुपा कर रखा था कि कोई भी तुम्हारे और मुरारी के प्यार के बीच में किसी बात की कोई रुकावट ना पैदा कर सके। लोगों ने तुम्हें बांझ कहा, फिर भी तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है। मुझे बांझ कहने की लोगों की? अरे धीरे बोलो। लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मुरारी मेरा बेटा है, मेरा बेटा है वो। मुरारी ने हमेशा माँ कहकर पुकारा। जब हमारी शादी हुई थी, जब मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था, मैं किसी को पहचानती नहीं थी। तब मुरारी मेरे पास आया, उसकी मासूम सी आंखें, उन मासूम आंखों से वो मुझे घूरने लगा और कहा, मुझे गले लगा लो। अपने नन्हे नन्हे हाथ फैलाकर कहा, माँ, माँ कहकर पुकारा। उस दिन से मैं उसकी माँ बन गई। मेरा कोलू मोलू सा मुरारी, उस दिन से वो मेरा बेटा बन गया। उसने मुझे माँ का दर्जा दिया, सौतेली माँ का नहीं, और मैं भी भूल गई कि मुरारी ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। और तकलीफ होती है जब कोई ये कहता है और जब आप ये कहते हो कि मैं बांझ हूँ। मुरारी मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं बांझ नहीं। अरे बाबा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसा करेंगे तो मुझे पाप लगेगा। तुम परेशान मत होना, हम अपना ख्याल रख लेंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारे भैया के लिए मैं मिठाई दे रहा हूँ, उनको खिला देना, उन्हें पसंद है ना? हाँ, मैं उन्हें दे दूंगी। हाँ दे देना। मुरारी, ओ माँ, मत जाओ ना। अरे क्या हुआ तुम्हें? अब तक तो ठीक था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। संभाल के, संभाल के। अरे ये चला जाएगा तो मुझे कौन छोड़ेगा? मुझे कौन छोड़ेगा? रोने की कोई जरूरत नहीं है माँ, छोटे चाचू है ना, वो आपको छोड़ कर आएंगे। अरे मैं चला जाता, लेकिन मुझे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, बड़े बड़े फिल्म स्टार आने वाले हैं, मैं नहीं आ सकता। बड़े चाचू आपको छोड़ देंगे, है ना? तुम छोड़ाओ। खेतों में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मेरा जाना तो क्या वो अकेली जाएगी? पापा आप, मैं पिछले हफ्ते छुट्टी ले चुका हूँ, और कैसे ले सकता हूँ? काम तो चलता रहेगा, मेरे दादाजी की कंपनी है। अरे अरे, तो क्या माँ अकेले ही जाएगी क्या? छोड़ो, मैं छोड़ कर आता हूँ इन्हें। तुम जाओगे तुलसी के साथ? हाँ क्यों, नहीं जा सकता, और क्या करूँ, इन्हें अकेला जाने दूँ, एक अनाथ की तरह यूं ही छोड़ दूँ? इन सबको छोड़ो माँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आ जाओ। अंकल, सांप पकड़ते समय आपको डर नहीं लगा? अरे डर किस बात का, अगर तुम जानवर से प्यार करोगे तो वो भी मतलब तुम्हें प्यार करेगा। टाइगर भी पकड़ सकते हैं? हाँ। ये कॉकरोच, छिपकली और चूहे भी पकड़ सकते हैं। हाँ। इस तरफ आओ बेटा, यहाँ यहाँ तुम भी आओ। मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी मम्मी, बड़े पापा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, छिपकली। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जी लाइए, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। माता रक्षा करना, रक्षमाम रक्षमाम। बाबूजी, उस मैटर को अपने तक ही रखिएगा। कौन सा मैटर? सांप वाला? नहीं नहीं गणेश वाला मैटर। ओ
ये भी लो। बहुत अच्छे है, तो तुमने जो मेरा हाथी चुराया। ये बात किसी को बताइएगा मत, हाथ के साथ पैर भी चुभ लूंगा। गलती की माफी मांगेंगे ना। देखो अगर कोई सुधरने का वादा करे ना तो इट्स ओके, वरना जो तुमने किया है वो गांव गांव में शहर शहर में बच्चे बच्चों को बता दूंगा। आई बात समझ में? अब भी एटीट्यूड दिखा रहा है? बचपन से ही ऐसे है। देख यार फिर तो डील नहीं हो सकती। पहले ये मुस्कुराए। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। जी जी जानवरों की तरह मुस्कुराता है। वैसे समझ नहीं आता तू मेरे सामने झुक कैसे गया। ठीक है यार कभी कभी लाइफ में होता है, थोड़ा जिमिंग करना फिर आना। तुम सच बोल रहे हो ना बेटा? मैं तो चलते तवे पर भी सच बोलता हूँ। भाई इस उम्र में आके सविता भाभी के नाम पर मेरी जिंदगी में भूचाल। क्या देखती थी, अच्छे अच्छे लोग पागल थे उस पे। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? ये भी शामिल हो गई। हाँ बेटा तुम बोलो। आपको हंसना पसंद है ना? लोगों को हंसाना पुण्य का काम है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। बिना बात खत्म किए कहाँ जा रहा है? साँप साँप मम्मी। आप लोग क्यों हंस रहे हो? कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे चढ़ा सके, और अगर गलती से किसी ने गलती कर भी दी तो उसकी शामत आ जाती थी, और वो मुझसे यहाँ पे डिस्को करवा रहा है। कौन वो हैंडसम? तुझे वो हैंडसम दिखता है मैं तेरी जान ले लूंगी। बेकार का नाटक है, पसंद करती है उसे? छी उसे पसंद करे मेरी जूती। वो बंदर हमारा दुश्मन है। ए वो बंदर नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो। ऋतिक जैसी पर्सनालिटी, रणबीर जैसी स्माइल, हाय मैं मर जावा। अरे अरे क्या कर रही हो? सलमान जैसा स्टाइल और शाहरुख जैसी बॉडी। बढ़ाए हमारे दिलों का हार्ट बीट। हाय माय हार्ट इज ऑन हिज फीट। अरे बड़ी आई नफरत की देवी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। किस कर ले किस। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ ना लगता है कि मुझ पर कोई कीड़ा रेंग रहा है। ऐसा और नहीं चलेगा। आई विल डू समथिंग माई सेल्फ, और मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आई विल टीच हिम अ लेसन। क्या? अ लेसन। यस 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 यस। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। माता प्रसाद ले लो। सांप। ऊपर है। माँ, बड़ी माँ, डैडी, खून, मुरारी, ऊपर है, बेटा मुरारी, क्या हुआ बेटा? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे देख क्या रही हो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, तू भी जाओ ना। कितना खून बह रहा है, देखो सुन लो। इतना टेंशन क्यों ले रही हो माँ? भाग रहा था तेल की बाल्टी पर लात पड़ गई तो मैं फिसल कर नीचे गिर गया, और क्या, कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ? छोटी सी बात है माँ। और तू कह रहा है कुछ? लेकिन सांप तो गया ना। मैं लगा देती हूँ। माँ के डर से सांप भाग गया। हल्दी लगा ले, थोड़ा आराम से संभल कर। माँ इतना क्यों कर रही हो? तू नहीं सुनता मेरी, कितनी बार कहा है, ध्यान रखा कर, अब सुनता ही नहीं। कुछ हो जाएगा तुझे तो मेरा क्या होगा।
एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी मुरारी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रोज तुम मुझे चिढ़ाते हो, आज मैंने चिढ़ाने की कोशिश की लेकिन सब गड़बड़ हो गई। तुम्हें गहरी चोट लग गई, बहुत ज्यादा खून भी बहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी ना, मुझे बचपन से ही तुम बहुत पसंद थे। जब से तुम यहाँ आए हो ना, मेरे दिल के तार बजने लगे हैं। जब से तुम्हें दिल की आंखों से देखा है, हार्ट बीट पूरा ऑफ बीट हो गया है। मेरे दिल में हो तुम, आंखों में भी तुम, होंठों पर तुम्हारा नाम, गालों पर तुम्हारा चार्म, फिर भी मुझे शर्म आती है। देखो मुझे ऐसा पसंद नहीं, तो प्लीज ये सब मत बोलना। मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आ गई थी। मेरी मत मारी गई थी। Exactly. बंदर। Same to you. Hey चिपकली, मेरा सिर दुख रहा है, थोड़ा कॉफी ले आ। तो क्या अपने हाथों से बनाना है? मैं बनाऊं? हाँ तुम। तुम्हारी और किसके लिए? कॉफी। शक्कर कम। No way. मैडम, where there is a will, there is always a way. देखो, अगर तुमने मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई ना, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे फंसाया, सांप 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 कह के ड्रामा किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, ये सब तुमने किया। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है तुम्हारी तुलसी बुआ मुझे कितना प्यार करती है। अगर उन्हें पता चला ना, तो मेरा तो कुछ नहीं, तुम्हारी बैंड बजेगी। आगे तुम सोचो। तो कॉफी नहीं मिलेगी? ठीक है माँ, बनाती हूँ। जन्म से लेकर आज तक इसने तो कोई काम नहीं किया। भाभी, इसकी तबीयत खराब है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, एक लड़की को घर के सारे काम आने चाहिए। आप लोगों ने बहुत लाड़ दिया उसे। देखो कल इसकी शादी होगी। हाँ। वो दूसरे के घर जाएगी। हाँ। आपकी इज्जत का फायदा होगा कि नहीं? ये तो हमने सोचा। यही तो बात है। हाँ बिंदु, इधर आओ, आओ। कॉफी लाई हो? मैं तो कॉफी पीता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दूध पीता हूँ, है ना माँ? क्यों उसके पीछे पड़ा है? ये क्या बदतमीजी है? बुरा मत मानना बेटा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ए गंगूबाई, मेरे कपड़े धोए क्यों नहीं अब तक? पता है ना मेरे पास कपड़े। अरे गंगूबाई, कितनी मेहनत करती हैं आप, दिन भर इतनी मेहनत करके थकती नहीं है? ये तो मेरा काम है। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना गंगूबाई। हाँ, मेरे कपड़े कब धोगी? किसी को तो तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। मेरे कपड़े धोने वाली हो या नहीं? कौन करेगा? ए आलसी चिपकली, चलो गंगूबाई का हाथ बटाओ। क्या कहा तुम मुझसे? कुछ कह रहे हो? मैं नहीं करूँगी। करना पड़ेगा। मैंने कहा ना नहीं करूंगी। मम्मी। सुगंध अच्छी है ना? चलो चलो। 14। अरे यार तुम कितनी स्लो हो, चलो चलो चलो। तुम्हें फास्ट करना है ना, तो एक आइडिया है मेरे पास। मां धीरे से करो। 15। लुंगी इतना ऊपर क्यों? नीचे। स्माइल प्लीज, पोज। खत्म तो करो, सिर्फ 15 ही बना, उसके आने के पहले काम खत्म कर लो। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी करो। वाह मैडम वाह, आप भैंस की सफाई कर रही हैं, ये तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही हैं। भैंस हमारे लिए कितनी सेवा करती है, आप भी थोड़ा बहुत सेवा करिए। भैंस से दूध मिलता है, दूध से हमें शरीर में ताकत मिलती है।
मम्मी बिंदु काम खत्म करो। वैसे ना गाय भी हमारी माता है, आपको तो गाय को भी साफ करना चाहिए। सिर्फ भैंस को करेंगे ना तो गाय को बुरा लग सकता है। वैसे गाय खुश तो मुरारी जी भी खुश, और वैसे भी मुरारी जी को तो खुश रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर मुरारी जी खुश हो जाएंगे तो आपकी शादी जल्दी हो सकती है। वैसे मैं भी मुरारी हूँ, मेरी भी सेवा करिए। वाह बालिके, तुम्हारी सेवा से ये मुरारी प्रसन्न हुआ। अरे भावनाओं को संभालिए। देखा ना तूने? ए इधर आओ, डर गए क्या? इधर आओ। क्या सुना? नहीं मैंने कहा इधर आओ। आती हूँ या मम्मी को बुलाऊं? कहो। थोड़ा और पास आओ। और पास। और करीब। चलो मैं ही पास आ गया। हा? मेरी शर्ट के बटन्स लगा दो ना, मुझे नहीं आता, थोड़ी हेल्प कर दो ना। मामे मुझे कुछ कुछ हो रहा है, तुम अपना सामान पकड़ो, मैं जा रहा हूं यहां से। मम्मी शर्ट का बटन। माँ माँ कहाँ हो? गणेश गणेश हटिए हटिए हटिए। अरे अरे बेटा मेरी बात सुनिए, हटिए ना आप, हटिए। अरे मैं उसे जानता हूँ, हटो, चलो हटो। गणेश अरे तू आ गया। मुरारी भाई आप चले आए, पिछले तीन दिनों से इसने कुछ खाया नहीं। क्या कहा, पिछले तीन दिन से इसने कुछ खाया नहीं? क्या यार तू भी ना, भूखा नहीं रहते, खा ले दोस्त। हेलो, डरो नहीं, गणेश खिलाओ ना, मेरे हाथ से खाओ। ये मेरा दोस्त गणेश है, केला खाता है, लो खिलाओ। ए चिपकली, तुम इसे नहीं खिलाओगी? शर्मा रही हो? ओ, डर रही हो? बाबूजी, आप ये सलिया लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे आप तो यहीं बैठ गए, हम समझे कि आप किसी को मारने जा रहे हैं। दिखाई नहीं देता कि हम गाड़ी के टायर की हवा निकाल रहे हैं? निकल गए। ए, क्या हुआ, हवा निकल गई? अपने अंदर रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं भी किस फट्टू से हिम्मत की बात कर रहा हूँ। Oh, my God.
साल खेती में बहुत मुनाफा हुआ है। क्या खाक मुनाफा हुआ है? सब तो तुलसी बुआ के पास चला जाएगा। क्या तुम्हें पूरा चाहिए जुआ खेलने के लिए? चुप बैठ। जाओ, हम ये अनाज तुम्हें नहीं ले जाने देंगे जब तक हमें हमारी मजदूरी नहीं मिल जाती। क्या करने जा रहे हो? लगता है फिर मरवाओगे। ये हमारी मेहनत का अनाज है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम सब के सब नंगे हो जाओगे। पर मुझे इन सब में नहीं पड़ना, हमें बस अपना हक का पैसा चाहिए। फिर चाहो तो चाहिए ना। अरे बाबू आप। बात क्या है बाबू? ये आदमी तुम्हारी माँ के हक के पैसे जुए में उड़ा देता है और हमारी मजदूरी भी खा जाता है। हमें किसी तरह इससे छुटकारा दिलाओ बाबू। हाँ हाँ समझ गया। हे दारा, इनके पैसे इन्हें दे दे। बस समझाए क्या? हमें पता है कितने पैसे देने चाहिए, तू बीच में मत पड़, बोल देता हूँ। चल एक बात बता, इनके हक का पैसा लूटना अच्छी बात है क्या? लूटा क्या करेगा? ए, ए, छोड़, लाठी छोड़। अरे मैं बोल रहा हूँ लाठी छोड़। अब कौन सा हाथ? छी। क्या हुआ? हवा निकल गई? आ जाओ ना, डर क्यों रहे हो? आ जाओ आ जाओ। ये मेरी माँ के पैसे हैं, मतलब हमारे पैसे। तुम लोग खून पसीना एक करके खेती करते हो तो इस पर आधा हक तुम्हारा भी बनता है। और आधा हक हमारा है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी, निभाओगे ना? तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जय। अरे बस करो यार। अरे बाप रे, चुराए हुए पैसे भी दे दो। आज औकात पता चल ही गई कि कौन महान है और कौन शैतान, और वो शैतान तुम ही हो। शेर सिंह जब लौटेगा तो मुरारी को मुर्गी की तरह हलाल करेगा। पक 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 पक। तुलसी क्या हुआ? ए, बात क्या है? बहुत ज्यादा नाटक करती है तू। होश में भी नहीं। अगर तुझे इतनी ही तकलीफ थी तो एक बार कह देती, तेरे पैसे को लात मारता। बात क्या है? कर तू। तुझसे रिश्ता नहीं है मेरा। तुम कुछ मत बोलो, मैं देखती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम पीछे हटो पीछे हटो। मुझसे कोई गलती हुई क्या? वाह वाह, ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और फिर तुम्हारी अच्छे घर में शादी भी करवानी चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? अपनी मर्जी से एक राह चलते आदमी से शादी कर ली और ये भी नहीं सोचा कि हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और आज आकर ये हमारे मजदूरों पर हक जताता है। हमें तुम्हारे एहसानों की जरूरत नहीं है। चाचा, हम भूखे नहीं मर रहे हैं। तेरे पैसे से मेरी जिंदगी चलेगी, तेरी हैसियत ही क्या है? तेरे पैसे तू तेरे पास रख, मुझे जरूरत नहीं है। तेरे पैसों पर नजर ना, तेरे ससुराल वालों की, मेरी नहीं है। शेर सिंह, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो, मत बोलो। माँ को खेत की खबर नहीं है। तू क्या इसे माँ बुला रहा है? तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गया था। ये तेरी माँ कैसे हुई जो खुद पांच है? भैया चुप हो जाओ। तू चुप कर। शेर सिंह छोड़ो, शांत हो जा, शांत हो जा। मारूंगी नहीं तो मारूंगी। चल हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तुलसी दीदी अभी नहीं, तुलसी दीदी तुलसी दीदी नहीं छोड़ो। उसकी उसकी बात का बुरा मत मानो। देखो नहीं रहना, तुम उस पागल के कहने से अपना घर छोड़ के चली जाओगी? उसके दिल में जो था उसने कह दिया। कोई पागल ऐसा कहता है क्या? मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने इस घर के हर सदस्य को अपना परिवार माना है। उनका उनका प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और तुम तो मेरे लिए भाई जैसे हो ना। और इसी रिश्ते को निभाने के लिए मैं हर साल यहाँ आती हूँ, अपने भैया के लिए, भाभी के लिए, पूरे परिवार के लिए।
मैं हर साल यहाँ पूजा के वक्त दौड़ी चली आती हूँ ताकि आप सबके साथ खुशी के दो पल बिता सकूं। आप खेत के मुनाफे की बात कर रहे थे? नहीं, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम तो जानते हो मैं यहाँ से शादी के एक जोड़े में गई थी। उस दिन से लेकर आज तक क्या एक फूटी कौड़ी भी मांगी मैंने तुमसे, फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बताओ, कोई बात नहीं, सब मेरी गलती है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मत रोको, मुझे जो कुछ भी मिला था वो भी मैं इसके नाम कर दूंगी, वरना ये फिर मुझ पर इल्जाम लगा देगा कि मैं हर साल यहाँ कुछ लेने के लिए आती हूँ। ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। नहीं, छोड़ो मेरा। अगर ये छोड़ो मैं नहीं छोड़ो मेरे बड़े भाई ने की होती तो लाजमी था। पूजा छोड़कर जाना बुरी बात है। आज जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी जो तुम कर रही हो उसके लिए पूरे परिवार को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुलसी मान जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। मत जाओ ना तुलसी। मुझे देखो, चल बेटा, मेरा कहना मत। माँ, मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। इनकी बात मान लो और ये पूजा खत्म करो, मैं चलता हूँ। मुरारी, ये क्या कर रही हो माँ? ये कैसी जिद है? हाँ, इनकी बात मान नहीं रही आप? चाहती हो मुझे श्राप लगे? नहीं बेटा, कभी नहीं। तो फिर मेरी बात मानो, पूजा खत्म करो, फिर मैं लेने आऊंगा। तुम मेरी माँ हो ना, तो कर्तव्य नहीं निभाओगी, पूजा नहीं करोगी। पूजा खत्म करो, फिर मैं आता हूँ। आंटी, मैं चलता हूँ। और मामा जी, मैं तो हूं ही बेवकूफ, बेकार में ही आपसे उलझ बैठा। सच कहूं तो मैं कभी आपकी बेइज्जती करने की सोच भी नहीं सकता, और वहां फैसला लेने से पहले आपसे बात करनी चाहिए थी। ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। हो सके तो माफ कर देना प्लीज। और हां, मां का ख्याल रखना। चलता हूं, मां की जिम्मेदारी आप पर। तो तो बड़े सेठ जी की कुंडली है। मजले वाले की भी। हाँ, और ये है छोटे वाले। ये सूर्य देव जी की कुंडली। ये है मुरारी की। मुरारी, पंडित जी,
जरा देखिए तो इसे क्या हुआ है, रोते ही जा रहा है। आप शांत हो जाइए, पंडित जी है ना, देख लेंगे, शांत हो जाइए। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, बच्चे को देखिए ना, आप देखेंगे ना पंडित जी। बच्चे का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। मुरारी तो अभी तक एक बच्चा है, उसकी क्या गलती, क्या वो आपकी संतान नहीं है? उसके साथ ही अन्याय क्यों, क्या वो आपका उत्तरदायित्व नहीं? माँ अपनी संतान के साथ ऐसा करती है क्या? उसने तो अभी जीवन देखा ही नहीं। ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं होने दे सकते। यदि आपने ऐसा कुछ होने दिया तो देख लेना, आपसे बात नहीं करूंगा, आपकी पूजा भी नहीं करूंगा मैं। आपको उसकी रक्षा करनी होगी, उसका भाग्य बदलना होगा। हाँ, इतनी कृपा करना मां, कृपा करना, रक्षा करना मां, रक्षा करना। बड़ी मां, अब मुझे हॉस्टल जाना है। तुमने तो कहा था तुम कुछ और दिन रुकोगी, क्यों जा रही हो? मुरारी और तुलसी ने खूब हंसाया, दिन इतनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। अब ये भी हॉस्टल चली जाएगी, घर फिर से सूना हो जाएगा। इसे जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगी। नहीं ठीक है ना बेटा? मुझे जाना है, मैं संक्रांति में लौट आऊंगी ना। संक्रांति पे आओगी, तब तक ये देवदास क्या करेगा? ओ मैडम, छुट्टा तो लेती जाओ। ये छुट्टे रखो, ले लो। अरे मुरारी तो मुझसे शादी करेगा। He's so cute. He's so handsome, यार। He will only suit me. I'm so tall, okay? He's better than Hrithik Roshan, huh? Listen, Lambu, he's better than Tom Cruise. Shut up, you people! Chup ho jao tum log! अरे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, कुछ हुआ नहीं कि सब आ जाते। ये लो नारियल पानी पियो, सिगरेट पीने से तो अच्छा ही है। अरे मत जाओ, सुनो तो, इसका खोपड़ा निकालना। ये पूरा झुब्बा कैसे गिर गया, समझ में नहीं आता। शुक्रिया, तू नहीं बुलाता तो मैं तो गया होता। आज तक ऐसी दुर्घटना घर में कभी नहीं हुई, मेरा तो दिल बैठ गया था, ऐसा लगा इस बार मेरा मुरारी। नहीं नहीं, क्या कह रही है माजी, नहीं मुरारी को कुछ नहीं होगा। देखिए इस बार मुरारी की बारी नहीं है, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, पर मुझे विश्वास है मुरारी को कुछ नहीं होगा। मैंने उनके लिए प्रार्थना की है, माँ से मन्नत मांगी है, क्या वो इतना भी नहीं सुनेगी? पूरे वंश की रक्षा के लिए मैंने संकल्प भी किया है। अब आप ही हिम्मत खो देंगी माजी तो कैसे चलेगा।
ये लो नारियल पानी पी लो बेटा, नारियल पानी पी लो। किसके बारे में सोच रहे हो? बिंदु। बिंदु, वो बेवकूफ की बेटी। अरे नहीं, मैं बिंदु के बारे में क्यों सोचूं? हां जी, इतना मासूम बनने की कोशिश मत कर। अब बिंदु की बात कर या बिंदु की, मुझे तो बता सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बड़े पापा। तू तो जितना शर्मा रहा है, तेरी आंखें ही सब बता रही है। बहुत खूबसूरत है क्या? अपने दिल की बात कह दी उसे। तो फिर क्या उसने अपने दिल की बात तुम्हें कही? अब तक तो नहीं कही। तो स्टोरी अब तक वन साइडेड है। ये बात है। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई ये बताओ। पहले ना मैंने उसकी टांग खींची। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरी टांग खींची, मेरा मजाक उड़ाया। सिंपल। मजाक मजाक में इलू इलू हो गया है। क्या भी? और भी मसाला है? बताओ। नहीं, नहीं। बताओ मुझे। कुछ खास नहीं हुआ, बस निकलते वक्त गले लगा लिया और क्या। तब तो दोनों ने एक दूसरे के दिल की घंटी बजा दी। अच्छा बता, अब वो कहाँ है? मुंबई के हॉस्टल में। अरे तो मुंबई कौन सा विदेश में है, जाकर उसे ले आओ। ऐसे कैसे ले आऊं? पहले ये तो पता चले कि उसके दिल में क्या है। तो इसमें इतना मुश्किल क्या है बता मुझे। सुन मेरी बात, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, ऐसी कोई लड़की नहीं जो तुम्हें रिजेक्ट कर दे। अब इस मामले में कुछ ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। मेरी बात सुनो और कुछ सोचो ही मत, मुंबई जाओ और जल्दी से उसे यहाँ ले। आप बच्चों जैसी बातें करें आप। ऐसे कैसे जाकर उसे उठाकर ले आऊं? उसके परिवार वाले हमसे नफरत करते हैं, पता है ना। अरे फिकर नॉट। तो फिर ये सूर्यदेव किस काम का है? मैं यहाँ सबको संभालता हूँ, तुम बस जाकर उसे लेकर तो आओ। अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और उसे लेकर आओ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जाओ तुम। आप सच कह रहे हैं ना? मैं तुम्हें झूठ बोलूंगा, मेरा फुल सपोर्ट है। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। ओके बिल्कुल, मैं जाता हूँ। बिंदु, 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 शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकती। तुम सब्र से काम लो और खाना खाओ। कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? सारी तुम्हारी गलती है। तेरे की, उसे बुखार होता है तो मेरी वजह से। अगर स्कूल में टीचर से डांट पड़ती है तो भी मेरी वजह से। कल जब उसकी शादी हो जाएगी तो तारीफ आप सब लो। आपकी तारीफ। तुलसी बुआ, कल से मुरारे की कोई खबर नहीं है। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरी तो जान निकल गई है। कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा? हे गणेशा, लव स्टोरी को तो संभाल लिया, अब फैमिली ड्रामा होगा। माँ, कहाँ चले गए थे बेटा? मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, पता करते जाना। माँ एक सेकंड रुको, आपने इन सबको बताया नहीं क्या? मैं तो शहर गया था ना सबकी दवाई लेने,
और बड़े पापा को भी मैंने बताया था कि वो आप सबको बता दे और आप मेरी चिंता ना करें। क्या बड़े पापा? भैया आपको पता था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। आपको पता है ना, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तुमने सारा घर सर पे उठा लिया था, इसलिए भूल गया मैं। अब तो अब बहाने बनाओगे। सुनो बेटा, इसको तुम्हारी इतनी फिक्र थी, कहती रही मेरा मुरारी आएगा, मेरा मुरारी आएगा, और कल से इसने कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया? देख लो, क्यों नहीं खाया आपने? हाँ डांट इसे। देखिए मेरी बात सुनिए, उनके परिवार से हमारा 36 का आंकड़ा है। उस लड़की का नाम क्या है? चंदू या बिंदु? बिंदु। बिंदु। हाँ अच्छा बताइए, वो अपना लगेज उठाकर यहाँ कैसे चली? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। दाल नहीं, तुम्हारा मुँह काला है। अचानक सुबह एग्जिट करता है, फिर अचानक ये मैडम अपना सूटकेस लेकर एंट्री करती है। मुरारी भी उसके कुछ देर बाद ही एंट्री मारता है। शर्ट में भी दाग लगा हुआ है। दाग शर्ट में लगा हुआ है या मुरारी? मुरारी पर शक करता है। तू क्या पहले CID में काम करता था? छी छी छी, तुम जैसे छिछोरे कैसे पैदा हो गए? मैं तुम लोगों का भाई नहीं। तो फिर कौन है? ए, मैं तुम नालायकों का भाई नहीं। तुझे नालायक बोल के गया? ये तो मुझे पता है, इसमें नया क्या है? ये क्या बचपना है माँ, पूरा घर सर पर उठा लिया, सबको कितनी परेशानी हुई। और बड़े पापा भी ना, ये भी कम नहीं है, सबको परेशानी इन्हीं की वजह से हुई है। माँ का ख्याल नहीं रख सकते? लो खाओ, अगली बार कुछ भी हो जाए खाना बंद मत करना। हाँ, और ये चिपकलियाँ कैसे? मैं तो भूल ही गई, तू यहाँ कैसे? बोलना, रिसर्च करने आई हूँ। रिसर्च लेकिन ऐसा कौन सा रिसर्च है जो सिर्फ यहीं पर होगा? मैं यहाँ पर ना, जो वो शायद हमारे बागीचे पर रिसर्च करने आई है। सच सच बताओ कि रिसर्च है या रिसर्च के पीछे कोई लव स्टोरी है? लव स्टोरी तो हमारे बीच है। क्या बात है। तुम्हारा रिसर्च कब खत्म होगा बिंदु? कब खत्म होगी पढ़ाई? बस जैसे रिसर्च खत्म हो जाए। क्या सोचा है? अब तक सोचा नहीं है, पर जाना है विदेश में। अरे शराब तो करेंगे, ये लड़का देखा है तुमने? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? कब्र सा चिपकी थी, क्या हुआ? दिखा 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 दिखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, गार्डन कहाँ पर है? चले दिखाती हूँ। जो तुम रिसर्च कर रही हो ना, उसमें हम तुम्हारी मदद कर देंगे। डिंग 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 डिंग। पहले पीठ पर खुजली, फिर डांसिंग। कुछ तो झोल छपाटा है। संजय कंफ्यूज मत हो। छोटे चाचू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? घूर क्यों रहे हैं? मैं हूँ, कुछ तो बोलिए। क्या कर रहे हैं, कुछ बोलिए। ओह, तो आपको लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है? ठीक, शक दूर नहीं हुआ? हुआ या नहीं? तो ठीक है, शर्ट दे दो, धोने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, मैं अंदर का जा रहा हूँ, मुझे तो बाहर जाना था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा तुलसी, ये चांद का टुकड़ा कौन है और यहाँ कैसे आया है? हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, ये अजीत की बेटी है। ओहो, नमस्ते। तुम अजीत की बेटी हो? कल ही आई। सुखी रहो, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिख रही हो। लक्ष्मी? बिंदु, तुम्हारे पापा ठीक है ना? अब जी, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, हरिओ। उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? पैर तक नहीं छुए उनको। ये सारे संस्कार सिखाने पड़ेंगे क्या? हाँ, क्या है यहाँ पर, कौन सी पूजा कर रहे हो? मैं तो पूजा कर रहा हूँ, लेकिन टॉवल डालकर तुम यहाँ क्या नहाने आए हो? चलो प्रसाद तो ले आओ। अभी लाता हूँ।
अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे मुझे कौवों को भगाना है। आइए ना। अब बोलिए क्या करना है। अब मुझे क्यों पूछ रहा है क्या करना है? मैं क्या बताऊं? आपके कहने पर ही उठा लाया ना इसे, अब आप नहीं तो और कौन बोलेगा? अरे तूने तो पहली बार जिंदगी में सही काम किया है, कितनी खूबसूरत है ये, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। मुझे भी पता है, अब आगे क्या करना है ये बताओ। अरे मैं क्या तुम्हें सलाह दूं, मेरे तीनों नालायक बेटे ऑलरेडी मुझ पर शक कर रहे हैं, अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं, कितने दिनों से तो मैं ही उनसे छुपता फिर रहा हूँ। बड़े पापा, आगे क्या करें? मुझे वही सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब मेरे पास है नहीं। क्या है ये? सीढ़ी लगा के माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है क्या? कोई ड्रामा मत करो। अब तुम्हें ये जानना है ना कि मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आया है ना? जी जी, शक कर रहे थे ना? शक दूर हुआ या नहीं? तो चलो जाओ, ऊपर नहीं नीचे, यहाँ से जाओ। मैं पूछ रहा था क्या? अब कोई सवाल नहीं, बिना पूछे आगे जाओ। मुझे कुछ आपसे पूछना है, आगे क्या करें? फिर वही सवाल जिसका जवाब मेरे पास है नहीं। जवाब तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा बड़े पापा। एक आइडिया, अपनी माँ को सच बता दो। ये भी कोई आइडिया है क्या? नहीं, चप्पल से मारेंगे मुझे। बोलिए। एक अच्छा आइडिया है दिमाग में, हम अपने घर वालों को सच बता दें तो। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं देखा। करंट लगा। बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे दोनों को राज की बात बतानी है, नजदीक आओ। अरे पर कोई आ गया तो? अरे कोई नहीं आएगा, दरवाजा बंद करके आया हूँ, तो बेफिक्र होकर बैठिए। अरे बाप रे। छोटी चाची, बड़ी चाची, अब मैं आप दोनों को राज की बात बताने जा रहा हूँ। मैं इसके घर गया था, याद है? वहाँ हम दोनों मिले और हम दोनों को प्यार हो गया, बस यही बात बतानी थी आपको। अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं इसे शादी नहीं करूंगा। घर में बाकी सब। अरे बाकियों को छोड़िए, आपको तो पसंद है ना? बोलिए बोलिए। पसंद है। क्या हुआ, चाचू ने कभी ऐसा नहीं किया क्या? शर्म आ रही है? तो आंखें बंद करो, तुम मत शर्मा। हाँ ये तुम क्या कर रहे हो चाचा? पेड़ में कीड़े ना लगे इसलिए दवाई छिड़क रहा हूँ। ओ कितनी मेहनत करते हो। मेहनत किया तो क्या हुआ, ये तो मेरा फर्ज है। अरे उनका क्या नाम है, बिंदु के पिताजी, वो आपकी तारीफ कर रहे थे। वो तारीफ नहीं, मुझे गालियाँ देते होंगे, समझता हूँ मैं। वैसे हमारे परिवार की दुश्मनी की वजह क्या है? कुछ खास नहीं, शेर सिंह ने तुम्हारी दादी को बुरा भला कहा और बड़े भैया ने उसकी पिटाई कर दी, फिर उन्होंने हमें मारा और राय का पहाड़ बन गया, फिर क्या बात इज्जत पर आ गई। मतलब उस लड़की की कोई गलती नहीं है, है ना? कौन सी लड़की? अरे वही, उसका नाम क्या है, चंदू, चंदू, बिंदु। अरे बिंदु। हाँ, बिंदु, ओ, बिंदु, बिंदु, वो तो बहुत प्यारी है। हाँ, वो रिसर्च वाली ना? अरे उसकी तो अलग कहानी है, पेड़ लगाने के बजाय उसे जड़ से उखाड़ देती है, उससे जरा बच के रहना। वैसे उस दिन जो भी हुआ उस पर दादी को बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बुरा तो मुझे भी लगा, पर क्या करें। अगर मैं बिंदु से शादी कर लूं तो? क्या हुआ, आइडिया अच्छा नहीं है? मैंने सोचा कि अगर हम शादी कर लें तो हमारी दुनिया खत्म होगी, आप नाराज हैं क्या? जल्दी से आइडिया दो। अरे यही तो आइडिया है, मैं और बिंदु ना शादी कर लेते हैं, बड़े पापा भी राजी हैं। ये तैयार हो गया मेरे सपनों का महल, पर मैं कौन से गेट से अंदर जाऊंगा? हाँ महल तो अच्छा है। मैं इसको इस घर में इसलिए लेकर आया क्योंकि हमारे बीच में इलू इलू हो रहा था और आपको इस बात का शक है, ये सच है? तो सुनिए, मैं इसे प्यार करता हूँ।
और इससे शादी करना चाहता हूँ। पसंद है ना आपको? ये लड़की तो है दिखने में हूर और तू है इसके सामने एकदम लंगूर। क्या किस्मत है, मेरे महल में ये तेरा कमरा है और ये बिंदु का कमरा। अरे हम बूढ़े थोड़ी ना हैं जो दूर दूर रहेंगे, अभी तो हम जवान हैं। ओहो तो तुम बड़े हो गए। हाँ, चाहो तो अम्मा से पूछ लो। अरे बाप रे, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे, ये कैसे होगा? ये तो होकर रहेगा। एक बात सोचिए, अगर मैं और बिंदु शादी करते हैं तो होगा ये कि जब भी आप मायके जाएंगी ना तो फिर ये आपके साथ जाएगी। और तुम्हारे पिताजी? अरे उन्हें हम मना लेंगे ना, बड़े पापा अगर साथ में चलें, मैं अगर उनके सामने हूँ और हम सब उनके सामने जाएं तो वो हमारी बात टाल कैसे सकते हैं, मानना तो पड़ेगा ही ना उन्हें। लेकिन वो तो नहीं मानेंगे। बेटी तो मार खाएगी अगर कुछ अशुभ बोली तो। मैं कब अशुभ बोलती? देखो तुम हमारे साथ हो, तुम इधर आओ। तुम बिंदु को बहू के रूप में स्वीकार करोगी या नहीं? आपको बिंदु पसंद नहीं है क्या? बोलो ना दीदी, जवाब दो ना, स्वीकार है या नहीं? आपको क्या फोन ऑफ फ्रेंड करना है, बोलो ना। जी मंजूर। ओ माय स्वीट मम्मी, अब ये जो छोटी सी बात है ना जिससे हम सब कहने से डरते हैं, वो जाकर आपके पति को बताओ। जाइए। जाओ रे तुम। क्या है? ये इसे मैं खाऊं? छे छे क्या बात है? हाँ? कुछ कहना है मुझसे? अब ये भी कोई वक्त है, चलो जाओ यहाँ से। क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? हाँ देखो लक्ष्मी, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में। क्या नाटक है, अब ले जाओ इसे, जाओ। हद हो गई। अरे अभी तुम्हें ना कुछ बोल नहीं पाई। नहीं अरे कैसे हो विजय? हाँ पैसे चाहिए आप? जी मैं पैसे क्यों मांगू। अच्छा तो सिगरेट चाहिए ना? बड़े भाई को सिगरेट पिलाएगा? आप खुद की बात तो कह नहीं पाते, दूसरों की कहने आ गए। वो ये तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं देखो मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है ये सब? इधर। हाँ बहुत खूब, रब ने बनाई है इनकी जोड़ी, इसलिए इनकी शादी करवा देते हैं। भैया बॉल पास करो ना, चला रहे हो, हमें खेलने दो ना। मालिक आपका दोस्त आया है। भैया है ये और यहाँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। नहीं 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 नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। अच्छा चलो पहले तुम बताओ। अच्छा सुनो, मुझे घुमा के बात करना नहीं आता और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, प्लीज कोई मना मत करना और टोकना नहीं। मुरली एक प्यारा सा बच्चा है, जब यहाँ आया था तुमने तो देखा ही होगा। कोई दूर है। वही तो कह रहा हूँ, वो बिंदु से बहुत प्यार करता है और हम सब बिंदु को पसंद करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए। वो बहुत प्यारी है और तुम पर नहीं, मेरी बहन पर। सुनो, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ बड़ी उम्मीद से मुरारी के लिए बिंदु का हाथ मांगने आया हूँ, मना मत करना। लेकिन एक बार बिंदु से तो पूछ लें। अरे उससे क्या पूछोगे, वो तो हमारे हमारे घर पर ही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात से? पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, वो लोग मानेंगे या नहीं, कई बात बिगड़ ना जाए, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है।
अरे जहाँ हम है वहाँ काहे का गम है, टेंशन नॉट। पता है लेकिन डर तो लगता है ना। मेरे हाथ की रेखा पढ़ रही हो? क्या लिखा है वैसे? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? यहाँ टेंशन से जान निकल रही है और तुम हो कि तुम्हें बस मजाक सूझ रहा है। मेरी प्यारी छिपकली, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हमें डरना किस बात से? और पता है ना तुम्हें डर के आगे ही जीत है। लव यू मुरारी। बड़े पापा, अंकल जी मैं बिंदु से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारी गलती नहीं है, इस बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी थी। ये फैसला हमें पहले करना था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटी। ए, सूर्यदेव, इनकी शादी हमें जल्दी कर देनी चाहिए। जल्दी से पंडित बुलवाओ, मुहूर्त निकलवाओ और सबसे जरूरी बात, दहेज में क्या क्या लोगे हमें बताओ। इनकी मांग जो भी हो हम पूरी करेंगे। बिल्कुल, बावर्ची हमारा होगा। तुम्हें क्या चाहिए हमें बताओ, हम पूरा करेंगे। तुम मुंह खोलो। अरे राजा भोज के औलाद, बेटी मुझे दे रहा है तो वैसे भी तू कंगाली तो हो गया, हमें चाहिए सिर्फ अपनी बेटी की खुशी, समझा? ये बात है तो दोनों तरफ का खर्चा तू ही। अरे दोनों तरफ का खर्चा अगर मैं करूंगा तो तू कंगू तेली बन जाएगा। बेटा। प्रणाम माँ जी। तुम कब आए? आज सुबह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ माँ। हाँ बोलो बेटा। तुझे तुम ही बता। तू बता ना। हाँ क्या बताऊँ? बोलो वो क्या बात है? बड़े भैया आए हैं ना, वो ही बताएंगे। हाँ क्या चल रहा है, मुझे भी तो बताओ ना। माँ जी मैं आया था, वो मुरारी तुलसी। तुम बताओ ना। बोलो माँ जी। वो क्या है ना कि हम सब ने फैसला किया है। डरो मत। अब विजय भैया बताएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए क्या बात है, ये जीजा जी, कौशल्या, तुलसी, बड़े भैया, मैं। बताओ। नहीं मैंने। अरे नहीं। कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है? मैं बताता हूँ ना दादी, मैं नहीं होके ना तो ठीक है। तुम सब पीछे जाओ। ए चिपकली यहाँ आओ, इधर आना। पता है आपकी गैरहाजिरी में क्या हुआ? क्या हुआ? इन सब ने मिलकर मेरी मर्जी के बिना मुझे चिपकली के साथ शादी करने पर मजबूर किया। ऐसा क्या? मैंने इन सबसे क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा कि मैं तब तक हाँ नहीं करूंगा जब तक मेरी दादी इसके लिए राजी नहीं हो जाती। मेरा प्यार है। जमा मत करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बोलो ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बोलो ना। आप कुछ तो बोलो ना। छोड़ो, आप ही बताओ, आपको हमारी शादी मंजूर है ना? बहुत सुंदर है। माँ जी, क्या हुआ? बात क्या है पंडित जी? कुछ याद आया। माँ जी आप मेरे साथ आइए, आप जरा साथ आइए। पंडित जी, अरे हुआ क्या है, बता कर तो जाइए। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ। मैंने मुरारी की कुंडली बार बार पढ़ी किंतु इस बार मुरारी के बचने की कोई संभावना नहीं। माँ जी बिंदु की शादी मुरारी से करवा कर आप उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। दादी, मुरारी क्या हुआ? दादी आप रो क्यों रही हैं? पंडित जी आपने इसे क्या कह दिया? मुरारी क्या हुआ? बेटा मेरा बेटा। हाँ दादी। बेटा ये क्या हुआ? माँ बताओ तो सही क्या हुआ है? ये शादी मत करो, मत करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।
नहीं होने दूंगी। शाबाश, इसी का इंतजार था, इमोशनल सीन। मुझे तो पता ही था कि यही होने वाला है। ओहो, मेरा तो दिल भर आया। तुम सब लोग इतना चौंक क्यों रहे हो? हमने तो सिर्फ आशीर्वाद मांगा था, लेकिन एक विधवा क्या आशीर्वाद देगी? एक विधवा की सलाह क्या मायने रखती है? इसे निकाल दो, ये तो अशुभ है। एक विधवा मंगल काम में अड़चन होती है। एक बात जवाब दे दो, आ जाओ। क्या कर रहे हो शेर सिंह? मुरारी मत मारो इसे, छोड़ दो, मत मारो। मुरारी तुम ऐसा मत करो, पीछे हो जाओ, आ जाओ बेटा। छोड़ दो मुझे, कहा ना छोड़ दो मुझे। चलो, अगर दादी को यह शादी मंजूर नहीं है तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाऊं। मामा जी मुझे माफ कर दीजिए, दादी की मंजूरी के बगैर यह शादी नहीं हो सकती। आप बिंदु को ले जाइए। मन भर गया क्या? अभी कुछ सुनना बाकी है, चलो। क्या हुआ था दादी? बोलिए ना। मुझसे कुछ मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगी, और मेरी बात मानो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस घर से कदम कोई बाहर नहीं रखेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, इस घर से कोई बाहर कदम नहीं रखेगा। खास कर तुम बेटा, बाहर नहीं जाना, तुम्हें मेरी कसम। ये मैं नहीं कर सकता और न करूंगा, और तुम्हारे लिए तो कदापि नहीं। तुम जाओ यहां से। पंडित जी एक बात तो सुनिए। क्या सुनूं? बोलो क्या सुनूं? क्या सुनूं? अब बोलने सुनने को भला बचा ही क्या है? इससे कहो कि यहां से चली जाए, कहो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, मेरे परिवार पर एक बहुत बुरा श्राप है। श्राप नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का पाप है, प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। भगवान ने हम लोगों को बुद्धि देकर महा उपकार स्वरूप मानव जीवन दिया है, परंतु हम उनके उपकार को भूल जाते हैं। कर्मों का फल न सिर्फ हमें बल्कि परिवार को भी भोगना पड़ता है। अब तो बस एक ही उपाय है, रक्ताभिषेक करना होगा। यही एक मार्ग है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की पर हाथ उठाते हो? कैसी शर्म हा? बहुत सुन ली मैंने आप सभी लोगों की, अब मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये हमारे बड़े पिताजी, अकल है इन्हें? उन्होंने थोड़ा गले क्या लगा लिया, चले गए तशरीफ उठा के। हो गई ना बेइज्जती। उस ऊंट की औलाद को क्या बोला था इन्होंने? कोहिनूर है। पहले तो खुद ही प्रस्ताव लाते हैं और फिर एक मनहूस विधवा के कहने पर हमें मना करके बेइज्जत कर देते हैं। अब इससे शादी कौन करेगा रे? रोकिए, बोलो मुझे, वो क्या चाहता है कि हम सब लोग भीख मांगे, उसके पैरों में गिर जाएं कि प्लीज हमारी बेटी से शादी कर लो? तू मेहंदी लगा के सज संवर के तैयार हो जाएगी, हम लोग सारे रिश्तेदारों को गांव वालों को बोले कि शादी है आ जाओ, हम लोग सारी तैयारी करें, और एंड में वो लोग बोले कि शादी नहीं हो सकती, तो कह देते ना हमारी बेटी को ले जाओ रखेल बनाकर रख लो, सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। ए, कल इसी वक्त तेरी शादी होगी। इधर आ,
ये मेरे दोस्त का बेटा कल इसकी मांग भरेगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये जुर्रत, मर यहीं पर। अगर किसी ने भी इसकी मदद की तो उसे जान से मार दूंगा, याद रखना। छोड़ो, सूर्यदेव कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं पूजा का सामान लेने के लिए। आप मुझे बताइए ना क्या बात है। कोई बात नहीं है, उसको आने दो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक। बिंदु कैसी अंकल? आप मत रोके माँ। बिंदु ठीक है अंकल जी, आप बिना किसी वजह यहाँ नहीं आएंगे। बताइए बिंदु को क्या हुआ? शेर सिंह ने दारा सिंह और बिंदु की शादी का फैसला किया है। शादी आज शाम को है। उसने हम सबको धमकी दी है, अगर किसी ने बिंदु की मदद की तो वो उसे और हम सबको मार डालेगा। हमें बचा लो। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही दादी, मेरे शेर सिंह बिंदु की शादी करवा रहा है। उसकी चिंता नहीं, कुछ भी हो जाए तुम नहीं जाओगे। छोड़िए मुझे, यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, हो क्या रहा है ये सब? तुम यहाँ से हिलना मत, मैं जाने नहीं दूंगी। बच्चों जैसी हरकत है ये। अगर तू यहाँ से गया तो मेरी लाश से गुजरना होगा। ये क्या बात हुई? आपको सिर्फ अपने अभिमान की पड़ी है। मुरारी बिंदु से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो क्या उसकी सजा देंगे आप? क्या हो गया है आपको? क्यों सजा दे रहे हैं मेरे बच्चे को? शेर सिंह ने इनकी बेइज्जती की थी और ये आज बदला ले रही है उसी बात का। बिंदु की जिंदगी खतरे में है, मेरे भैया उसकी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। मुरारी क्यों नहीं जा सकता, आज मुझे पता नहीं होगा आपको। तुलसी इधर आओ। देखो तुलसी, इनके अहंकार के आगे हमारी कोई कीमत नहीं है। मैंने सही कहा ना? सुन लिया ना दादी? ए मुरारी, तू कहाँ जा रहा है? बिंदु को बचाने, मरने दे उसे, लेकिन दादी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, है ना दादी? सही कहा, ऐसा ही है। इनका दिल पत्थर का हो गया है, इनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। आप नहीं समझेंगी क्योंकि आपके लिए हम तो एक गुलाम की तरह जो आपकी जी हजूरी करते हैं। कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने ही बच्चे के प्यार का गला घोट दे। असली बात मैं बताता हूँ। नहीं पंडित जी, मत बताना। नहीं माँ जी, मुझे मत रोकिए, मुझे बोलने दीजिए। हिम्मत है तो सुनिए। मुरारी की जन्म कुंडली मैंने पढ़ी है और इस अखंड ज्योति ने साल भर हमें जो संकेत दिए हैं उससे ये साफ दिख रहा था कि इस साल श्राप का प्रकोप मुरारी पर ही है। मुरारी, मुरारी, मेरे मुरारी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? छोड़िए मुझे। नहीं, माँ शांत हो जाओ। माँ दादी, ये शाप का किस्सा क्या है? बच्चों की कहानी है क्या? सॉरी गलती हो गई। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं आज मरूं या बाद में? दादी माँ, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। आपने दादाजी की मौत का हादसा देखा, इसलिए आपको लगता है कि मैं भी हादसे का शिकार हो जाऊंगा, है ना? तक तेरे की, अब मेरी समझ में आया। अगर बिंदु मुझसे शादी करती है और अगर मैं ऊपर चला भी गया तो बिंदु को पूरी जिंदगी विधवा बनकर रहना पड़ेगा, यही फिक्र है इनको, समझे आप? बेकारी दादी को बुरा भला कह रहे थे। मेरी भोली दादी, बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा।
सॉरी। लेकिन यहाँ रहूंगा तो बच जाऊंगा, इसकी गारंटी कौन देता है? आप देंगी गारंटी? साइलेंस, कोई जवाब नहीं। आपके भविष्यवाणी के अनुसार मैं यहाँ रहूं या बाहर जाऊं या कहीं भी जाऊं, मेरा बचना मुमकिन नहीं, नहीं है ना? नहीं। इसीलिए आपने ये पूजा, यज्ञ, होम और न जाने क्या क्या तामझाम करवाए, है ना? मैं कायर की तरह नहीं जी सकता, मरूंगा तो शान से मरूंगा, और अगर बिंदु की जान बचाते हुए जान चली जाए तो वही सही। दादी, मैं मरूंगा क्यों? हाँ, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। दादी, ये पूजा, यज्ञ, होम कितने सही साबित होंगे ये तो मुझे नहीं पता, और मुझ में इतनी बुद्धि और काबिलियत भी नहीं है कि इन्हें समझ सकूं। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जिंदगी एक युद्ध है और मैं एक योद्धा। इंसान चाहे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, बस उसके इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो। मैं इस अग्नि की कसम खाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए, मां के लिए और बाकी सब के लिए, बिंदु के लिए भी और अपने लिए भी, मैं मौत को हरा कर जिंदा लौटूंगा। अरे बाप रे, मेरा डायलॉग तो काफी फिल्मी हो गया। पंडित जी, क्या क्या विधि बाकी है? परंपरा के अनुसार तुम्हें कुंभाभिषेक और पूर्ण अभिषेक की विधि को पूरा करना है। ऐसा करने पर श्राप का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। आप बस शाम तक रुकिए, मैं बिंदु को अपने साथ लेकर आऊंगा। यहाँ पहुंचते ही आपकी खातिर जितनी भी विधियां हैं उन्हें पूरा करूंगा, ठीक है ना? चलिए, आशीर्वाद दीजिए। मुरारी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? तुम रो मत माँ। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। बस माँ, बस तुम अब रोगी नहीं, जरा भी नहीं रोगी, ठीक है? चाहे भूचाल आ जाए, आंधी आए या भूकंप आ जाए, मैं बिंदु के साथ लौटूंगा जरूर। चाची, माँ का ख्याल रखना। तुमने सही कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपना लक्ष्य हासिल करोगे और बाकी सब हम पर छोड़ दो। जाओ तुम। तुम शेर हो, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कामयाबी तुम्हारी कलम चुमेगी। जाओ, बिंदु को लेके आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जाओ, चिंता किस बात की? जब तुम बुरे नहीं हो तो तुम्हारा बुरा भगवान भी नहीं करेगा, देख लेना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम। बड़ी बेटी, रोना बंद कर बेटी। बिंदु, तू जा, तेरा प्यार तेरा इंतजार कर रहा है, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। मना किया था ना? जाओ, पकड़ो, बिंदु भाग रही है, पकड़ो उसे। बिंदु, ये ओलंपिक का रेस नहीं, प्यार का केस है, रुक जाओ। Oh!
देख भाई रुक जा, बिंदु के साथ शादी तो मेरी ही होने वाली है, तो लड़ना क्यों? हाँ हमें जाने दे प्लीज। बाप का राजा, बचपन से तू मुझे हराते आ रहा है, हर वक्त मेरा मजाक बनाया तूने सबके सामने, अब बिंदु को भी मुझसे दूर लेके जा रहा है, मैं ये नहीं होने दूंगा। हाँ बड़े बुजुर्गों ने भी सही बात कही है, बातों से नहीं मानेंगे। अबे जा आगे बढ़। मम्मी दर्द हो रहा है ना, तुम ठीक हो ना मुरारी? क्या हुआ लड़की करंट मारती है? तुम्हें तो मैं Ugh.
मुझे मौत को मात देनी है। शाम तक घर पहुंचना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, 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 नहीं। मैं इस अग्नि की कसम खाता हूं, मैं मौत को हरा कर जिंदा लौटूंगा। मौत को मात दूंगा, इसी हालत में घर लौटूंगा मैं। लड़की तो करंट मारती है। मैं आ रहा हूं दादी। मैं बिंदु को लेकर आ रहा हूं। बेहोश हो गई है, पानी छिड़को इस पर। अच्छा, पता था तू जरूर सफल होगा। मैं जिंदा लौटा, इसलिए रो रहे हैं ना बड़े पापा। मत बोल बेटा। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जीप में बैठ रहा था, मामूली सी चोट लग गई। ए मेरी प्यारी दादी, एक मिनट, सब देख लो, मैं ठीक ठाक आ गया। आप तैयार हैं पंडित जी? हम सब तो कब से आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब चलिए चलिए चलिए, अभिषेक का समय हो रहा है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है मामा जी, आप इन्हें ले जाइए, जाइए।
पूजा की शुरुआत कीजिए, जाइए चलिए। डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। डॉक्टर साहब, यहाँ मंदिर में एक पेशेंट का बहुत खून बह रहा है, आप जल्दी आइए। पीछे हटो, पीछे हटो, चलो जाओ, जाओ, जाओ। इसे मंदिर की परिक्रमा करनी है, तब तक इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझे साहब? समझे तुम? चलो, चलो पीछे हटो। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मूर्ति जमीन छूनी नहीं चाहिए, समझे ना? चलो शुरू करो बेटा। उठो मुरारी, उठो। हाँ मुरारी, चलो, तुम कर सकते हो, ये परिक्रमा तुम्हें पूरी करनी है। रक्ताभिषेक संपन्न हुआ। ओम हिरण्यवर्णम हरिणिम सुवर्ण रजतम सजा। हाँ बेटा, उठो, चलो, चलो परिक्रमा पूरी करो। उठो बेटा, हाँ, उठो, हाँ, उठो बेटा, बाल शक्ति दे, हटो। कितनी देर लगा दी, जल्दी चलो। Yeah.
मेरे बेटे की जान नहीं ले सकती तुम, नहीं। जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा।
किया, देखिए ना, इसे होश आ गया। मेरा बच्चा, अरास, अरास की बेटा, मेरा बच्चे को होश आ गया, मेरे बच्चे को होश आ गया। माँ, माँ तेरा लाख लाख शुक्र। मुरारी, दादी कहाँ है? सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।